हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। ऑडिटिंग का फिफ्थ लेसन है, जहां पर हमने फोर लेसन ऑडिटिंग पे कर चुके हैं, और यहां पर हम फिफ्थ लेसन जो है टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इट्स इफेक्ट। एरर के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और उसके इफेक्ट्स एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि कोई भी चीज अगर आधी अधूरी छोड़ेंगे तो ज्ञान भी हमें आधा अधूरा ही मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आप देखने के बाद जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें जो नॉलेजेबल थिंग्स है, जो एग्जांपल्स है, वो और भी आपके दोस्तों तक पहुंचे। और इसके अलावा काफी सारा सिलेबस आपके लिए इस चैनल के ऊपर आपको रखा हुआ है, काफी सारा नॉलेज है, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अदर सिलेबस ऑल्सो। सो विजिट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। एरर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर एरर्स क्या है? अब यहां पर पहले तो हम ये चीज देखें कि एरर्स क्या है। व्हाट इज एन एरर? एरर किसे कहते हैं? जैसे क्या चीज है जिसको हम एरर मानेंगे? सो एरर इज एन एक्शन विच इज इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट। कोई भी एक एक्शन है, कोई भी हम टास्क करते हैं जो कि इनकरेक्ट है फिर एक्यूरेट है, सो उसको क्या बोलेंगे? हम एरर बोलेंगे। एरर मतलब कोई भी मिस्टेक, ओके? उसको स्टैटिस्टिक वर्ड में क्या बोलेंगे? हम मिस्टेक भी बोल सकते हैं, मतलब एक मिस्टेक के रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज एरर, ओके? जब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वैल्यू विच हैज बीन कंप्यूटेड एंड द वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू है उसको, ओके? जो वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है और जो वैल्यू ऑलरेडी मतलब ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें अगर कुछ डिफरेंस आया, सो उसको हम बोल सकते हैं एरर, उसको बोल सकते हैं मिस्टेक, ओके? यहाँ पर जनरली एफर्ट एरर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ केयरलेसनेस। केयरलेसनेस के वजह से एरर्स आ सकते हैं, केयरलेसनेस के वजह से मिस्टेक्स हो सकती है, ओके? ये एक अनप्लान्ड एक्टिविटी है, जो कि अब कोई प्लान नहीं करके करता है कि अब यहाँ हमें कोई एरर करना है। So, अगर प्लान किया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्रॉड बोलेंगे। कोई भी चीज, कोई भी मिस्टेक अगर प्लान करके की गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। फ्रॉड के ऊपर भी एक अगला वीडियो जरूर बनेगा, ये एरर के ऊपर, हम ये पूरा वीडियो एरर के ऊपर करेंगे। अगला जो भी वीडियो बनेगा वो फ्रॉड के ऊपर होगा, इसके अंदर सारी चीजें हम फ्रॉड के रिलेटेड लर्न करेंगे, ओके? सो यहाँ पर सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे आज? एरर्स। एरर्स के टाइप्स क्या है और एरर के इफेक्ट्स क्या है अकाउंटिंग के ऊपर। सो आपने जान लिया कि एरर्स क्या है। एरर्स मतलब कोई भी मिस्टेक होती है, ओके? गलती से कोई भी चीज होती है, जहां पर केयरलेसनेस के वजह से या फिर ज्ञान पूरा नहीं होने के वजह से ये मिस्टेक हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज एरर, ओके? उसके टाइप्स है काफी सारे, सो वन बाय वन हम एक एक टाइप उसके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में यहाँ पर ये जो टाइप है, दैट इज कमीशन के टाइम एरर, मतलब कोई भी चीज है जहां पर मिस्टेक कहीं पर हुई है तो अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है उसके रिलेट हो गई है। एरर ऑफ कमीशन ऑकर्स व्हेन एन अमाउंट इज एंटर्ड राइट एंड इनकरेक्ट अकाउंट बट द वैल्यू इज रॉन्ग। जो भी वैल्यू की गई है वो क्या है? रॉन्ग है, उसको बोलेंगे हम एरर ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, पेमेंट इज अप्लाइड टू द रॉन्ग इनवॉइस, द अमाउंट ओविंग बाय क्लाइंट विल स्टिल बी करेक्ट इन द ट्रेल बैलेंस ऑब्जर्विंग मिस्टेक। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर और भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि अब ये कमीशन एरर ऑफ कमीशन है, कमीशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन के अंदर कौन सी चीजें आ सकती है? सो एरर ऑफ कमीशन हम कौन सी चीजों के मिस्टेक्स को बोलेंगे, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे? सो रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक। अमाउंट जो है सब्सिडियरी बुक में रॉन्ग करनी है, रॉन्ग पुट की गई है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक में भले अमाउंट करेक्ट है लेकिन टोटलिंग में यहाँ पर रॉन्ग किया गया है। पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट इन लेजर अकाउंट्स। अमाउंट इनकरेक्ट पोस्ट की गई है। अब यहाँ पर वैल्यूएशन जो है प्रॉपर हुआ है, बट यहाँ पर क्या क्या लेजर्स होते हैं, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, अलग अलग हमारे पास काफी सारे अकाउंटिंग के टाइप्स है। सो लेजर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने डेबिट किया, वहां पर क्रेडिट करना है, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है। अब उसमें कहीं पर हमने प्रॉपर किया और कहीं पर हमने गलत किया, सो यहाँ पर किसी लेजर में हमने क्या किया, अमाउंट जो है वो इम्प्रॉपर डाला, सो वो एक मिस्टेक हो सकती है, वो एक एरर हो सकता है।
इनकरेक्ट टोटलिंग इन लेजर बैलेंस, लेजर बैलेंस के टोटलिंग में यहाँ पर क्या किया हमने, मिस्टेक की गई है। ओके, पोस्टिंग द रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर, जहां पर डेबिट में पोस्टिंग करनी थी वहां पर क्रेडिट में किया, और जहां पर क्रेडिट में करना था वहां पर डेबिट में किया। सो यहाँ पर अमाउंट वगैरह कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, पोस्टिंग जो है गलत लेजर में की गई है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। सो ये जो भी पॉइंट्स थे वो क्या थे, सारे एरर ऑफ कमीशन के अंडर आते हैं। ये जितने भी सारे मिस्टेक्स है वो एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे चलकर कि नेक्स्ट एरर कौन सा है, दैट इज नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ने एरर किया, नो, प्रिंसिपल मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके खिलाफ जाना, मतलब उसके 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 अंडर हमने कुछ ये नहीं किया। अभी प्रिंसिपल अगर बोलता है कि पर्टिकुलर सेल का जो भी अपने गोल्डन रूल्स होते हैं, ओके, गोल्डन रूल्स के खिलाफ अगर हमने कोई एंट्री करी, कोई भी जर्नल में हमने कोई भी एंट्री मारी, सो उसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल एक्सपेंसेस आर एक्सीडेंटली रिकॉर्डेड इन द बिजनेस एक्सपेंस। अभी जो बिजनेसमैन है, पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी बिजनेस में इनकर्ड नहीं करने होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सनल लाइफ में हो गए, वो बिजनेस में इनकर्ड करना क्या है, गलत है। सो ये बाय मिस्टेक ही हुआ, ठीक है, गलती से किया है, लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल के खिलाफ है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस ही बिजनेस में कंसिडर किए जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। सो यहाँ पर ये जो एरर है वो क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, सो काफी सारे ऐसे एरर्स होते हैं, जैसे कि गोल्डन रूल्स के, गोल्डन रूल्स अगर बोलता है कि पर्टिकुलर अमाउंट हमने डेबिट करना चाहिए था तो हमने क्रेडिट कर दिया, ओके, या फिर कोई चीज है जो कि हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई करना था, लेकिन हमने कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया है, अलग रेट ऑफ जो टैक्स है वो यहाँ पर अप्लाई किया। तो कोई भी रूल है, कोई भी रूल है उसके बियॉन्ड जाके हम अगर कोई मिस्टेक करते तो इट्स कम अंडर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। आगे चलकर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में हम देखते हैं, एन एरर ऑफ ओमिशन हैपन्स व्हेन यू फॉरगेट टू एंटर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। यू मे फॉरगेट टू एंटर एन इनवॉइस यू हैव पेड इन द सेल ऑफ सर्विस। ओमिशन मतलब क्या, ओमिट करना मतलब कोई चीज मिस आउट करना। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपीराइटर बाइज अ न्यू बिजनेस लैपटॉप बट फॉरगेट टू एंटर द परचेज इन द बुक्स। अब यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ओमिट कर चुके हैं, मतलब एक ट्रांजेक्शन एंटर करना भूल गए। सो यहाँ पर काफी सारा डिफरेंस आ सकता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमने मिस आउट कर दिया। कोई ट्रांजेक्शन अगर गलत यहाँ पर हमने अमाउंट पुट किया है, नाम गलत, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं कि हाँ बाबा यहाँ पर क्या गलत है। सो उसका जो इनवॉइस है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इनवॉइस हम लाकर उसको करेक्शन कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज ओमिट हो जाती है, मतलब वहां पर हमने एंटर ही नहीं किए, सो उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर अभी फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर डेट पे कोई इनवॉइस आया है, कोई मटेरियल इनकर्ड हुआ है, सो यहाँ पर हमने वो इनवॉइस को एंटर ही नहीं किया बुक्स में, परचेस हमने किया लेकिन वहां पर हमने एंटर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि हमने परचेस किया था। ओके, सो ये एक एरर जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मतलब इफेक्ट ज्यादा ला सकता है, बैड इफेक्ट। आगे चलकर देखते हैं कि कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर है यहाँ पर, देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अनदर एरर। व्हेन द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसिल आउट सच एरर आर कंपेंसेटिंग एरर। सो यहाँ पर देखो, एक चीज के वजह से दूसरा जो लेजर है वो क्या हो जाता है, एक एरर के वजह से दूसरा कोई चीज अफेक्ट हो जाता है। हमने अभी लेजर पोस्टिंग करी है, एक लेजर में हमने गलत एंट्री मारी तो दूसरा लेजर क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या डाला है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, 5000 के गुड्स जो है वो मिस्टर एक्स को सोल्ड किए हैं। अब यहाँ पर हमने सेल के अकाउंट में प्रॉपर लिखा है, लेकिन अगर हमने मिस्टर एक्स के अकाउंट में एंट्री करते टाइम 5000 की जगह 500 लिखा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 4500 का। ओके, ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कंपेंसेटिंग एरर हो चुका है, जो कि हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट लिखी है, मतलब जहां पर 5000 दिखाना था हमने एक जीरो कम दिखा है। यहाँ पर ये जो एरर है वो मतलब अमाउंट पुट करते टाइम एक जीरो हमने कम डाला, तो लेकिन क्या हो गया, जो लेजर से वो बैलेंस नहीं हो रहा, टैली नहीं हो रहा है। ओके, सो मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है सिर्फ 500 रुपीज से डेबिट हो गया। ओके, जबकि ट्रायल बैलेंस में हमें डिफरेंस दिख रहा है 4500 का। ओके, तो डिफरेंस ह्यूज है,
अब यहाँ पे अमाउंट छोटी है इसलिए छोटा डिफरेंस है। अगर अमाउंट करोड़ की होती, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के जगह पे हमने 10 लाख लिखा, तो डिफरेंस कितना 90 लाख का होगा। सो इस तरह से यहाँ पर एरर में काफी सारा नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोजिशन एरर व्हेन टू डिजिट आर रिवर्स्ड, अभी कोई भी चीज है जहां पर अमाउंट जो है, अभी जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर का जो एग्जाम्पल पढ़ा 4500 के जगह पे हमने 5400 लिखा है, सो यहाँ पर दो डिजिट जो है वो स्वाइप हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर ही, मतलब इंटर ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं वो चीजें। जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3563 अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर 5363 अमाउंट लिख दी, तो यहाँ पर क्या है, काफी सारा डिफरेंस आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। आगे है यहाँ पर हम राउंडिंग एरर्स, राउंड ऑफ करते हैं काफी बार, सो राउंड ऑफ के टाइम भी काफी सारा डिफरेंस हो जाता है। राउंड ऑफ एरर मतलब राउंड ऑफ में हमने गलत कर दिया। ओके, राउंडिंग फिगर कैन मेक योर अकाउंट्स इनकरेक्ट एंड क्रिएट सीरियस ऑफ फ्यूचर एरर्स, आइदर पीपल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन मेक दिस मिस्टेक। ओके, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी मिस्टेक करते हैं, कभी कभी अकाउंटेंट जो होते हैं वो भी मिस्टेक कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि 23.965 इंस्टेड ऑफ 23.9646 के बदले हमने क्या किया, 965 जो है यहाँ पर हमने डेसिमल प्लेस के बाद वो चीजें ली है। सो यहाँ पर छोटे छोटे जो राउंडिंग एरर्स थे वो भी कभी कभी बड़े एरर्स बन सकते हैं। ओके, सो अगर कोई भी ये बोलते रेट, किसी चीज का रेट अगर डेसिमल्स में आता है, सो सारे रेट्स को अगर राउंडिंग ऑफ करते गए, सो आखिर में जो फिगर आएगी वो बड़ी बड़ा डिफरेंस आएगा उसके अंदर। उसके बाद एरर ऑफ रिवर्सल, व्हेन एंट्री इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट बीइंग क्रेडिटेड, डेबिट जो करनी थी उसको हमने क्रेडिट किया है। ओके, सो एट दैट टाइम यहाँ पर एरर आ सकता है, जिसको हमने डेबिट करना था उसको क्रेडिट किया, या फिर क्रेडिट करना था उसको डेबिट किया, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अगर मेरे पास कैश आया है बिजनेस में, सो कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ओके, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी, सो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल भी दिया है नीचे कि 500 रुपीज का इनवॉइस था, क्लाइंट को सेंड किया है, वो अकाउंट्स पेएबल में करने के इंस्टेड ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल में करना तो रिसीवेबल में कर दिया, सो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमने किसी को पे कर दिया लेकिन रिसीवेबल में किया, तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, 500 रुपए गया है लेकिन हमने उन्हें एंटर नहीं किया, तो वहां पे 500 रुपए ज्यादा बताएगा बैलेंस, और यहाँ पर हमें 500 रुपए हमने रिसीवेबल में लिखे, तो वहां पर 500 रुपए एक्स्ट्रा आए ऐसा लगेगा, तो 1000 रुपीज का डिफरेंस हो गया। सो इस तरह से एरर जो है काफी इफेक्ट ला सकते हैं। आगे चलकर देखते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब एक एंट्री दो बार भरना, दो या फिर उससे ज्यादा, कोई भी हमने ट्रांजेक्शन अगर एंटर किया है, सो एक बार एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो एक बार ही उसकी एंट्री होनी चाहिए, जबकि अगर हमें सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री हमने दो बार मारी है। ओके, होता है भी ऐसे कभी कभी कि दो अकाउंटेंट होते हैं, तीन अकाउंटेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट ने वो एंट्री पोस्ट की है, फिर से दूसरा अकाउंटेंट उसको पोस्ट करता है, तो वो मिस्टेक हो जाती है, तो इस तरह से ये एरर है। उसके बाद है डेटा एंट्री एरर। अभी जितने भी सारे ये हमने एरर पढ़े वो सारे एग्जांपल्स है उसके, डेटा एंट्री एरर्स के, मतलब जहां पर डेटा हम पुट करते हैं एट दैट टाइम वो एरर आ सकता है। अगर हमने कोई नेम सिलेक्ट करते टाइम, ओके, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है श्री कोडिहार, तो उसका स्पेलिंग कुछ SHREE है, लेकिन और भी एक दूसरी फैक्ट्री जिसकी स्पेलिंग है SHRI। ओके, स्पेलिंग में सिर्फ आई और डबल ई का फर्क है, लेकिन अगर वो चीज अगर गलती से किसने पर्टिकुलर लेजर के अलावा दूसरा लेजर ले लिया, तो वहां पर वो डेटा एंट्री एरर हो सकता है। एंटरिंग आइटम इन द रॉन्ग अकाउंट, ट्रांसपोजिंग नंबर, लिविंग आउट एडिंग डिजिट और डेसिमल प्लेस, ओमिटिंग डुप्लीकेट, ओमिटिंग और डुप्लीकेटिंग एंट्रीज, ट्रीटिंग एक्सपेंसेस एज इनकम, ये सारे क्या है, डेटा एंट्री एरर्स है, मतलब डेटा एंटर करते टाइम अकाउंटेंट से हुई कुछ एरर्स है, जो कि काफी सारा डिफरेंस अकाउंट्स में ला सकते हैं।
और काफी सारा नुकसान भी कंपनी का हो सकता है। सो इस तरह से ये जो ऑडिटिंग है इसमें ये एरर का टॉपिक क्यों है, सो इसीलिए है कि एरर जो है वो पता चले कि क्या होते हैं, किस टाइप से एरर होते हैं, ताकि ये जो अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग स्टाफ होता है, उनको ये पता चले कि ऐसे एरर नहीं होने चाहिए, क्यों होते हैं, तो हमने उसका प्रिवेंशन करना है। ओके, ये एरर का चैप्टर इसीलिए दिया है कि आप भी अगर कोई आगे चलकर जॉब पे लगेंगे, सो एट द टाइम ये जो सारे एरर अपने सीखे है तो वो आप एरर ना करें। ओके, सो एरर के इफेक्ट्स भी हमने ये टाइप्स पढ़ते पढ़ते एरर्स के इफेक्ट्स पढ़े, फिर से हम उसके एरर के इफेक्ट जो है वो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ओके, हमने टाइप्स जो पढ़े तो एक एक टाइप्स पढ़ते टाइम हमने ये भी पढ़ा कि ये टाइप्स की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, फिर भी हमारे पास और कुछ इफेक्ट्स है तो वो हम लर्न करेंगे। इनकरेक्ट इनकम रिपोर्टिंग, यहाँ पर इनकम जो है वो इनकरेक्ट रिपोर्ट होगा। जो इनकम अकाउंट है जहां पर इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है, एट दैट टाइम इनकम जो है वो इनकरेक्ट रिपोर्ट होगा। इनकरेक्ट कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, कैश फ्लो की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। इफ आइटम्स आर नॉट रिपोर्टेड करेक्टली इट कैन ओवरस्टेट और अंडरस्टेट द अकाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड टू पे बिल्स। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, ये जो होते हैं दो। सो यहाँ पर ओवरस्टेट और अंडरस्टेट ऑफ अमाउंट, अगर कुछ एरर हो जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो में, ओके, सो एट दैट टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश अगर हमने ज्यादा दिखाया तो फ्यूचर में हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा होने वाला है, ऐसा बिजनेस कंसिडर करता है, जबकि ऐसा नहीं होता, गलती से वो चीज हुई रहती है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट कैश फ्लो अगर दिखाया, इनफ्लो कैश इंफॉर्मेशन अगर दिखाया, सो वो चीज हो सकती है। इनकरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि अभी इनकरेक्ट इनकम जो है इनकरेक्ट रिपोर्ट किया है, उसी तरह से एक्सपेंसेस को अगर इनकरेक्ट रिपोर्ट किया है, सो एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ भी एरर आ सकते हैं। मिसक्लासिफिकेशन और फेलियर टू इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंसेस मे रिजल्ट इन फेलियर टू रिपोर्ट डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, इट कैन रिजल्ट इन ओवर पेइंग टैक्सेस। अगर एक्सपेंसेस अगर इनकर्ड प्रॉपरली हमने नहीं शो किया है, एक्सपेंसेस दिखाना मतलब जो टैक्स है उसको कम करना, लेकिन अगर एक्सपेंसेस को अगर हमने ओमिट किया है, एक्सपेंसेस दिखाए नहीं है, काफी सारे एक्सपेंसेस अगर हमने 2-3 लाख के एक्सपेंसेस पूरे साल में अगर स्कीप किए हैं, सो क्या हो जाएगा, उस 2-3 लाख के ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ेगा जो कि हमने नहीं किए थे एक्सपेंस, मतलब जो कि हमारा इनकम है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पर ये टैक्स के टाइम ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने ज्यादा टैक्स पे करना पड़े। इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। करेक्टिंग क्लासिफिकेशन मिस्टेक्स ऑन द बैक एंड इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर मिस्टेक, फॉर कोई पर्टिकुलर एक फर्म है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफी सारे मिस्टेक्स होते हैं, सो उनको रीचेक करने के लिए अगर दूसरी एक टीम बनाई है, मतलब ये फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन अकाउंटेंट है, उनके पास बहुत काम होता है और उनके वजह से बहुत काम होने से क्या हो रहा है, उनसे मिस्टेक हो रही है, तो उनको चेकिंग करने के लिए दूसरा एक दो स्टाफ रखे है ताकि आप इनका काम चेक कर सको। तो यहाँ पर क्या है, लेबर कॉस्ट ज्यादा हो चुका है, मतलब मिस्टेक ज्यादा हो रही है, तो उसको आगे वो मिस्टेक्स को आगे नहीं लेके जाना, इसलिए क्या करना है, नया स्टाफ। ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है कॉस्ट स्टाफ का, सो यहाँ पर ये मिस्टेक्स हमें रोकना बहुत जरूरी है। लेट पेमेंट फीस व्हेन मिसक्लासिफिकेशन एरर आर डिस्क्लोज्ड लेटर इन द अकाउंटिंग साइकिल इनवॉइस मे बी पास्ट ड्यू एंड रिजल्ट इन एडिशनल फीस एंड इंटरेस्ट। ओके, लेट पेमेंट फीस अगर हमने की, अभी यहाँ पे एरर हो गया, मिसक्लासिफिकेशन एरर आर डिस्कवर लेटर इन द अकाउंटिंग साइकिल इनवॉइस मे बी पास ड्यू एंड रिजल्ट इन एडिशनल फीस एंड इंटरेस्ट। ओके, एडिशनल फीस मतलब लेट पेमेंट, किसी ने एरर किया, मतलब कोई चीज मिसप्लेस हो गई, किसी ने कोई ट्रांजेक्शन एंटर नहीं किया जो कि हमने भरना था। ओके, सो बाद में क्या, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि हमने एक परचेस कोई चीज परचेस की है लेकिन उसका ट्रांजेक्शन हमने एंटर नहीं किया। अभी परचेस का 1 मंथ क्रेडिट होता है, हमें 1 लाख का इनवॉइस परचेस, 1 लाख का मटेरियल परचेस किया, उसका इनवॉइस का ट्रांजेक्शन हमने नहीं किया, सो वो जो 1 महीने के बाद हमें पता चला
कि ये पर्टिकुलर परचेस हमने किया था लेकिन उसका ट्रांजेक्शन में एंट्री नहीं है और उसका पेमेंट अभी तक तो हुआ नहीं है। सो जब वो पेमेंट मांगने के लिए आएगा क्रेडिटर, तब उनको बोलेंगे ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, वो शो करेगा हमें कि आपने ये चीज की है, परचेस की है। सो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, लेट पेमेंट फीस भी हमें भरनी पड़ेगी, ओके प्लस वो जो पीरियड चला गया, वो लास्ट मंथ के पीरियड में वो एंट्री मारनी थी, सो वो पीरियड चला गया, फिर लेट पेमेंट फीस है, ये सारी चीजें जो है हमें एडिशनल पेनल्टी मिल जाती है। सो ये इफेक्ट हो जाता है इसका। इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस अगर हमने कुछ गलत किए, दोनों में से किसी भी एक चीज को हमने गलत किया है, सो यहाँ पर दोनों भी चीज मैच नहीं होती है, ओके जितना हमारे इनकम है फॉर एग्जाम्पल इतना इतना इनकम है और उसमें से एक्सपेंसेस इतना डिडक्ट करके हमारा इतना बचता है बैलेंस, सो वो जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा, ओके। डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट एम्प्लॉय फ्रॉड इंक्लूडिंग एम्बजमेंट कैन ऑकर इन माई एनी बिजनेस। अब यहाँ पर एम्प्लॉय फ्रॉड, अभी एम्प्लॉय फ्रॉड जैसे कि हमने पहले ही बोला, फ्रॉड का हम लेसन एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा फ्रॉड के ऊपर होगा। यहाँ पर एरर्स जो है वो फ्रॉड में डिटेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई बंदा कोई एम्प्लॉय जो है वो मिस्टेक कर रहा है, सो बिजनेस कभी कभी ये भी सोच सकता है कि ये जानबूझ के करता है, मतलब कोई फ्रॉड करना चाहता है। When items are don't match up, it can indicate that something is wrong and more investigation is required. उसके बाद उसका जो उसने फ्रॉड किया है, मिस्टेक हुई है या फिर मिस्टेक क्यों हुए, उसको इन्वेस्टिगेट करने में और भी टाइम चला जाता है और काफी कुछ हो जाता है अगर कोई छोटी सी मिस्टेक है और जो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो ये इसलिए की ये चीज इसलिए क्यों दी है, ताकि जो फ्रॉड है फिर एरर्स है उसको प्रिवेंट कर सके बिजनेस। इसीलिए ऑडिट होता है और ऑडिट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हो तो, अगर सीए फर्म में हो तो, ओके। सो ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी बिजनेस है, कोई भी जैसे कि हमने ऑडिट को स्टार्ट किया था तभी हमने ये सुना कि जो भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, सोल ट्रेडिंग है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, सो उसको किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ट्रस्ट को, किसी भी सोसाइटी को ऑडिट जरूरी है, ओके। सो ये ऑडिट हमें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, जिस तरह से अकाउंटिंग हमारे साथ में उस तरह से ऑडिटिंग है, और ऑडिटिंग का नॉलेज जो है वो अकाउंटिंग के बिजनेस, अकाउंटिंग का जो भी हमारा प्रोफेशन है उसको स्ट्रांग बनाता है। सो ये जो नॉलेज है वो आप अपने साथ रखिए जरूर और उस वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि नॉलेज आपको और आपके कलीग्स को, अपने दोस्तों को भी मिले। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि काफी सारा ह्यूज नॉलेज इस चैनल के ऊपर आपको दिया गया है। वीडियोस को देखो, नॉलेज लो, शेयर करो, लाइक करो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल डे, थैंक यू।